back to my channel. This is Rashi and here I'm back with budget fashion, latest lifestyle updates और personal care के बारे में. So आज की वीडियो में बताऊंगी trendy ज्वेलरी के बारे में, कैसे कैसे ज्वेलरी आजकल ट्रेंड में है, चाहे वो एथनिक वेयर के साथ हो चाहे वो वेस्टर्न वेयर के साथ हो. लास्ट टाइम मैंने ट्रेंड्स जो 2022 के फैशन ट्रेंड्स उसके बारे में वीडियो कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड वो वीडियो मैंने सारी सिर्फ पार्टी वेयर कपड़ों को ध्यान में रखकर नहीं बताई थी, जस्ट जनरल सारे कपड़ों को, सारे फुटवेयर, हेयर स्टाइल, सॉरी नॉट हेयर स्टाइल, मतलब सारी जनरल जो चीज़ें डेली यूज में होती है ना, उनको ध्यान में रखकर बताई थी. तो अगर आपको भी देखना है कि कौन कौन से ट्रेंड्स आजकल ज़्यादा इन है, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं. सो नाउ बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की साइड. सो सबसे पहला है कि गोल्ड कलर ज्वेलरी जो लास्ट टाइम से ट्रेंड में आया है, कि जो भी आप वेस्टर्न आउटफिट के साथ कोई भी पेंडेंट पहनते हैं, कोई चेन पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, इयररिंग पहनते हैं, तो वो सारे इवन वेस्टर्न आउटफिट के साथ अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड और रोज गोल्ड कलर की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इन है. ये लास्ट ईयर ट्रेंड में आया था एंड ये अभी भी कंटिन्यूसली ट्रेंड में है. तो अगर आपके पास यू नो मल्टी लेयर वाली हमने चेन ली थी बहुत सारी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस बार भी ट्रेंड में रहेंगी. इवन सिंपल वाली जो चेन होंगी वो सारी भी इस बार ट्रेंड में रहेंगी. तो जो भी आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, गोल्ड प्लेटेड, चाहे वो वेस्टर्न आउटफिट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. एंड आप उसको सारे अपने आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, टॉप्स के साथ कर सकते हैं, ड्रेसेस के साथ कर सकते हैं, स्कर्ट्स के साथ कर सकते हैं. एंड अभी मैंने लेयर नेकलेस की बात करी थी, तो लेयर जो चेन होती है उनकी बात की थी, तो नेक्स्ट ट्रेंड वही है कि लास्ट टाइम बहुत सारी लाइक 5-6 बहुत सारी चेन का फैशन था. इस टाइम जो अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो उस टाइम 2-3-1 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा यू नो आपको पूरा इतनी सारी चेन को पहनना है तभी आपको ट्रेंडी लगेगी. इस बार का जो ट्रेंड है मैं बहुत ज़्यादा जो ऑब्जर्व करा है वो दो, मैं मतलब दो वाला जो ट्रेंड है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है. एक आपके गले से चिपकी हुई होती है, एक थोड़ी सी दूरी पर होती है, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. उसको भी आप अपने टॉप ड्रेसेस सारे वेस्टर्न आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं. ओके, थर्ड ट्रेंड है कस्टमाइज ज्वेलरी. कस्टमाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. लाइक आप यू नो गले में जो हम चेन पहनते हैं उसकी बात करो, आप ब्रेसलेट की बात करो, वो सारे में ही कस्टमाइज आपके नेम वाली है. इवन मंगलसूत्र की बात करो तो उसमें भी कस्टमाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. तो आपको भी आज भी अगर एक सिंपल सी चेन कस्टमाइज, एंड ये बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल है, लाइक जीवा पर अवेलेबल है, वो थोड़ी सी कॉस्टली है. एंड अगर हम बजट फ्रेंडली स्टोर्स देखें तो उन पर भी अवेलेबल है. मुझे जो भी मिलेगी मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. फोर्थ जो ट्रेंड है वो है एविल आई. ब्रेसलेट, एंकलेट, गले में चेन, सब में बहुत ज़्यादा चले, स्पेशली ब्रेसलेट और एंकलेट में. तो अगर मैंने कई जगह मंगलसूत्र में भी ऑब्जर्व कराया है, जो हाथ में पहनने वाला होता है ब्रेसलेट जैसा, उसमें भी ऑब्जर्व करा है, तो बहुत ही ट्रेंडी लगता है एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी. फिफ्थ एंड लास्ट ट्रेंड जो है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे वो है हूप इयररिंग्स. तो अगर मैं वेस्टर्न आउटफिट की बात करूँ, लाइक कोई भी ड्रेसेस होगी, गोल्ड कलर के जो सर्कल वाले इयररिंग्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े, पहले बहुत बड़े चलते थे, अभी जो छोटे छोटे सर्कल वाले जो इयररिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में. इनके कॉम्बो सेट्स भी बहुत ज़्यादा आपके यू नो ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल, आप चाहें तो ले सकते हैं. इसका मैक्सिमम फ़ायदा ये कि आपके सारे वेस्टर्न आउटफिट के साथ ही चल जाते हैं. आप एक स्टोर लाइक आप एक तरह के वो ले सकते हो और उसको सारे वेस्टर्न आउटफिट के साथ चला सकते हो. बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी है एंड ट्रेंडी भी है. सो यदि हमारी आज की वीडियो एंड टॉप 5 लेटेस्ट ट्रेंड वो भी ज्वेलरी में, सो आई होप ये आपको पसंद आई होगी. इफ़ येस तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए. सुन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.